मैं बुद्ध की अस्थि कलश को मगध ले जाना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि इस अस्थि कलश पर मैं एक विशाल स्तूप का निर्माण करूं। ये अस्थियां तो हमारी हैं महाराज अजातशत्रु। हमने कल्पना की है कि हम बुद्ध के लिए एक भव्य स्तूप का निर्माण करेंगे। इतना भव्य जो विश्व में किसी ने नहीं देखा। आत्मबोधि प्राप्त बुद्ध सर्वप्रथम मगध पधारे थे, किंतु ये भी ना भूले राजन कि बुद्ध ने स्वेच्छा से महापरिनिर्वाण उसी नारा में किया था। लिच्छवी के राजा होते हुए हमें लगता है इन पर हमारा अधिकार। बुद्ध को सबसे प्रिय हमारी राजधानी वैशाली थी, चाहे तो इनके किसी भिक्षु से पूछे। वैशाली का जन जन बुद्ध के गर्मानुसार स्तूप का निर्माण करेगा। ये अनुचित है। हाँ हाँ अनुचित है। ये जो भी निर्णय हो न्याय पूर्वक होना चाहिए। बुद्ध हमारे भी थे। बुद्ध का प्रेम और ज्ञान हमारी संपदा है। मैं कहता हूँ इन अस्थियों पे सर्वप्रथम अधिकार हमारा है। बुद्ध क्षत्रिय थे और हम भी क्षत्रिय हैं, इसलिए सर्वप्रथम हमारा अधिकार है। ये कौन सी बात हुई? प्रभु क्षत्रिय थे तो हम भी क्षत्रिय हैं। हम सबसे सुयोग्य हैं बुद्ध की अस्थियों पर स्तूप निर्माण करने के लिए। हम भी कपिल वस्तु के शाक्य हैं। बुद्ध बनने से पहले युवराज सिद्धार्थ हम शाक्यों के अधिपति थे। बुद्ध का यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि उनकी अस्थियों का स्तूप कपिल वस्तु में ही बने। हम पलिया के राजा हैं, इसलिए ये अधिकार हमारा भी बनता है। और कोलिया वाले कोयला वाले के हाथ पे हाथ धरे रहेंगे। बुद्ध जन्म से क्षत्रिय भले ही हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की जिस अवस्था तक वे पहुँचे हैं उसके पश्चात वे हम ब्राह्मणों में सम्मिलित हो गए। हम विद्यादीप के ब्राह्मण ही सबसे अधिक उनकी पूजा अर्चना करने के योग्य हैं। तो स्तूप बनाने का अधिकार भी हमें ही मिलना चाहिए। ठहरिए। इस बात का एक ही निवारण है, प्रभु ने जहाँ अपना शरीर त्यागा वो स्थान बुद्ध का हुआ। स्तूप बनेगा तो यही बनेगा। हम इस तरह बलपूर्वक आप सबको इनकी अस्थियां ले जाने नहीं देंगे, अन्यथा सब हमें क्षमा कीजिए। हमें इस पावन स्थान की गरिमा का भी ध्यान नहीं रहा। हमें सदबुद्धि देने के लिए मैं आपका आभारी, किंतु इस विवाद का हल इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। मल्हराज
इस विवाद को सुलझाने का एक उपाय है मेरे पास। अगर आप सब लोग सुने तो। आप है कौन जो हम आपकी बातें सुने? मैं तो मात्र एक ब्राह्मण हूं राजा, मैं तो बुद्ध का अनुयायी भी नहीं बना, परंतु मेरे अंतःकरण में बुद्ध के प्रति असीम श्रद्धा है, प्रगाढ़ भक्ति है। जैसे दूर अकेले में बहती कोई प्रेम की धारा स्वतः अपने आप सागर से मिल जाती है, वैसे ही बुद्ध के प्रति मेरा प्रेम निश्चय ही उनके निर्मल मन तक पहुंचा होगा। ये हमारे आदरणीय द्रोण नाम है इनका, इतने सारे स्थानों को छोड़ आपने कुशीनारा का चयन क्यों किया? एक अंतिम भिक्षु को दीक्षा देनी, और ब्राह्मण द्रोण भी यहां रहते हैं, वो हर उठे हुए विवाद को सुलझाएंगे। मुझे स्पष्ट कर कहिए बुद्ध, आने वाला समय सब स्पष्ट कर देगा। क्या हुआ है बुद्ध? ने समय से आगे जा कहां कहां तक देखा, बुद्ध की कही एक एक बात सत्य हुई। कहिए द्रोण, हम सबको इस परिस्थिति से निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या सुझाव? राजन, बुद्ध ने तो सदैव शांति और स्नेहशीलता का संदेश दिया है, ऐसे विशाल व्यक्तित्व के अस्थियों के लिए आप लोग इस प्रकार से आपस में कलह करें ये उचित तो नहीं है। अभी तो उनकी चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई है, और आप लोग इस प्रकार का इस पवित्र भूमि पर विवाद कर रहे हैं। राजन, आप सब लोग इस देश के 8 बलशाली राजा हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस समस्या का निदान आप लोग बुद्ध के दिखाए मार्ग के अनुसार ही करें। मेरा विचार है कि आप 8 राजा बुद्ध की अस्थियों को 8 भागों में बांटें। मल्ल राजा, मगध नरेश, वैशाली के राजा, कपिलवस्तु के राजा, पावा के राजा, अलकप्पा के राजा, रामगामा के राजा, मिथादीप के राजा, आप सब बुद्ध के लिए एक नहीं, अपने अपने स्थानों पर अलग अलग 8 स्तूपों का निर्माण कीजिए। 8 भव्य स्तूप जो बुद्ध की वाणी और उनकी स्मृति को समस्त संसार में व्याप्त कर दे। उचित निवारण किया आपने द्रोण, इस समस्या को सुलझाने के फलस्वरूप आप भी बुद्ध की अस्थियों का एक भाग ग्रहण करें। मैं अनुग्रहित हुआ महाराज। आप आनंद हैं, आपके प्रेम और निष्ठा की चर्चा तो आज कण कण में व्याप्त है। आप द्रोण हैं, आप आएंगे इसकी सूचना पहले ही बुद्ध से मिली थी, मैं ही अज्ञानी समझ ना सका। लाई यह अस्थि कलश हमें दे, हम इसे 9 भागों में बांटें, राजगृह में मगध के राजा इस पर स्तूप बनाएंगे, वैशाली में लक्ष्मी नरेश स्तूप का निर्माण करेंगे, कपिलवस्तु में शाक्य राजा इस पर स्तूप बनाएंगे, अलकप्पा में बलिया के राजा स्तूप बनाएंगे, तामगामा में कोलीय राजा स्तूप बनाएंगे, मिथादीप में मिथा जनमानस स्तूप का निर्माण करेंगे, मल्ल राजा कुशीनारा और पावा में स्तूप बनाएंगे। Mm-hmm.
आनंद भ्रमित होना देखो, बुध हर स्थान पे है इस पत्ते में, नदी के इस बहाव में, इन सूर्य की किरणों में, तुम्हें छूती वायु मेरा आशीर्वाद ही तो है आनंद। मैं इस मिट्टी में भी बसा हूं, आनंद मैं तुम में भी हूं, मैं तुम्हारे अंतर मन में, तुम्हारे बाहर हर ओर तुम्हें ढके हुए हूं। लोग कहते हैं पानी पे चलना या वायु पे चलना चमत्कार है। बुद्ध ने कहा इवाम मी सतत, सबसे बड़ा चमत्कार ना पानी पे ना ही वायु पे चलना है, अपितु पृथ्वी पे चलना है। हर दिन हमारे चारों ओर चमत्कार घटित हो रहे हैं पर हम उन्हें नहीं देखते। नीला आकाश, श्वेत बादल जो हर क्षण अपने आकार बदलते हैं, पेड़ों को ढके कितने अनोखे प्रकार के पत्ते, एक छोटे शिशु की काली जिज्ञासु आंखें, यही जीवन के चमत्कार हैं। बुद्ध के प्रेम और करुणा के दिखाए मार्ग पे फिर असंख्य शुद्ध आत्माएं चल पड़ी। ये पैरों के निशान भारत से हो श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, चाइना, म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान और फिर विशाल सागर की दूसरी ओर अमेरिका में उभरते हैं। पृथ्वी को अपनी बाहों में समेटे हैं। 2500 वर्ष पहले बुद्ध इस पृथ्वी को आनंदित कर गए, उनकी उपस्थिति आज भी है और अनंत काल तक रहेगी। अपो दीपो भव, अपना दिया स्वयं बनना, अपने बुद्ध को पहचानना, जागो और धर्म के मार्ग पे चलो, अपने अंतर के संग को साधो, अपनी शरण में जानो, किसी को ना खोजना, जो है सब अस्थिर है उसके बीच स्थिर रहना, परिश्रम से निरंतर संघर्ष करना, कभी हार ना मानना।